हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत रेवाड़ी में राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता खेल महाकुंभ का आगाज हो चुका है, जिसमें हरियाणा के 22 जिलों से 1500 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। यहां आए खिलाड़ियों को सुविधा की कमी खल रही है। महिला खिलाड़ियों की माने तो उन्हें शौच स्नान करने और मोबाइल चार्ज करने जैसी सुविधाओं की कमी से दो चार होना पड़ रहा है। पंखे लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें बंद या चालू करने के लिए खटके नहीं होने से रात को सर्दी से दो चार होना पड़ रहा है। साथ ही महिला खिलाड़ियों ने कहा कि सुविधाओं की परवाह किए बगैर ही वो देश का नाम रोशन करने का मादा रखती हैं। प्रतियोगिता में जीत हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी पूजा कादियान भी पहुंची और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो असुविधाएं खिलाड़ियों को हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ जोखिम तो जीत हासिल करने के लिए उठाना पड़ता है। देश में खेलकर मेडल प्राप्त करने वाली कुछ महिला खिलाड़ियों ने बताया कि खेलों के माध्यम से हम अपना और देश का नाम रोशन करने में जी जान लगा देंगे। अपने देश में खेलकर पदक हासिल करने वाली कराटे खिलाड़ी मुस्कान कि वो अपने साथ देश का नाम रोशन करने के लिए मेहनत कर रही है और उनका सपना देश के लिए पदक लाना है, जिसके लिए वह जी जान से मेहनत कर रही है। कोच चरण सिंह की माने तो हरियाणा के 22 जिलों से रेवाड़ी पहुंचे 1500 सभी खिलाड़ियों को तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया है और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। फाइल कहाँ से आई हो, क्या खेलना है? हम वुशु खेलने आए हैं, हम हरियाणा से आए हैं और यहाँ पे तो नहीं तो साफ सुथरा बाथरूम है और नहीं तो फोन चार्जिंग करने के लिए स्विच है ना, अगर किसी को सर्दी लगे तो लगे और पर नहीं पंखे बंद करने की है और लाइट भी अब कल रात ही को ठीक की थी और जो अब बाथरूम है वो नहीं तो छता बाथरूम बैनर टूटा हुआ है और नहीं बाल्टियाँ नहाने के लिए बाथरूम भी बहुत गंदे हैं, फर्श भी टूटा हुआ है, लाइट भी नहीं है बाथरूम में, फोन चार्जिंग करने के लिए भी। मुस्कान क्या क्या खेलते हैं, कहाँ से आए? मैं सिरसा से आई हूँ, शैम्पू खेलती हूँ, कराटे भी खेल लेती हूँ, वुशु भी, सभी गेम्स हैं। क्या क्या सफलता हासिल की अब तक? एक मिनट दोबारा अब बताओ। करंटे में मैं नेशनल तक पहुंच गई, सेकंड आई थी, सैम्बो में मैं गोल्ड लेकर आई थी और मैं पटना जा रही हूँ नेशनल खेलने के लिए कि मैं गोल्ड लेकर आ सकूं। तो इसकी कहां से प्रेरणा मिली खेलों के लिए? प्रेरणा मुझे मेरे अंकल ने दी थी, मुझे अंकल जी ने शुरुआत की थी, मुझे स्टेडियम में लगवाया था मैडम के पास। तो अभी आपका क्या लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मैं देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। चल रहे हैं ये जो खेल महाकुंभ हो रहा है, खेल महाकुंभ, ये मतलब पहले इतनी तादाद नहीं थी इस गेम की, वुशु गेम की। अभी जैसे जैसे मैंने देखा, अभी मैं आई हूँ यहाँ पे, जस्ट अभी मेरी एंट्री हुई है, मैंने देखा कि यहाँ पे 2000 बच्चों ने एंट्री करवाई है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे अच्छा, अभी जैसे जैसे मैंने देखा है कि जो भी देखा है अभी, जैसे कि 3 अरीने लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी सुविधा दी है और पहले ऐसा नहीं होता था खैर हरियाणा में, बट अभी जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे हरियाणा का भी लेवल काफ़ी अप हो रहा है। खेल हो रहे हैं सर, वुशु हो रहा है, खेल महाकुंभ के तहत वुशु स्टेट चैंपियनशिप है लड़कियों लड़कियों की और ये 20 से 23 तारीख तक हमने रेवाड़ी हम करा रहे हैं इसको और इसमें हमारे पास लगभग 1500 खिलाड़ी लड़के लड़के भाग ले रहे हैं, जिसके अंदर अंडर 14 है, अंडर 17 है और ऊपर ग्रुप है दोनों लड़के लड़के। यहाँ पर हिंदू स्कूल में सिर्फ लड़के रुकी हुई हैं, बाकी अलग अलग स्कूलों में हमें लड़के लोग रखे हैं। बच्चों को गद्दे तकिए और चादर दे रखी है, उसके साथ साथ खाने का इनका यही अरेंजमेंट है, लड़कियों का खाने का यही है, पुलिस प्रशासन है, एम्बुलेंस है इस स्कूल में, सारे लड़कियाँ रुकी हुई है, बाकी बाहर है और जो टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं वो सारे के सारे ऊपर से आए हुए हैं, वो सारे एकदम में अपने आप में निपुण है पूरी तरह। तो इस प्रतियोगिता जिसका कल उद्घाटन कराया था माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी ने, जिसका समापन 23 तारीख को होगा, तो इस सभी को हम अपने पूरा डीएसओ साहब की तरफ से, डीओ साहब की तरफ से हम इसको बढ़िया बढ़िया कराने की कोशिश।